नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल खन्ना है। मैं राहुल खन्ना एजुकेशन थ्रू थिएटर और अस्मिता थिएटर ग्रुप से हूं, और आज मैं बातों बातों में जिससे आपको मिलवाने वाला हूं, मेरा बहुत ही बहुत पुराना दोस्त है। हमने साथ में थिएटर किया है, थिएटर से मैंने उसको फिल्म करते हुए देखा है, मैंने उसको ऑफिस से दौड़कर भागकर वापस अस्मिता में आकर अपने रिहर्सल्स करते हुए देखा है, मैंने उसको लड़ते हुए देखा है, वो जुझारूपन देखा है। तो आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक एक्टर से जो दोस्त है, जो सिनेमा का एक्टर है, जो थिएटर का एक्टर है, और उसका नाम है सूरज सिंह। सूरज सिंह की जर्नी एज एन एक्टर कैसी रही है और कैसे आज सूरज से बातचीत करके हम सबके लिए एक छोटी सी एक्टिंग की मास्टर क्लास भी हो सकती है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जो लोग इस जर्नी से निकले हैं, थिएटर से फिर फिल्म्स, और उसके बाद वो पूरी जद्दोजहद मुंबई में, उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सो मैं बात करता हूँ सूरज सिंह से, और जस्ट सीइंग इफ सूरज इज हियर। परफेक्ट, ओके। नमस्कार सूरज, नमस्कार, क्या हाल है? गुड, कैसे हो? गुड गुड, वेरी गुड। और सूरज, मैं अभी सबको यही बता रहा था कि कैसे एक लड़के ने राजस्थान के एक छोटी सी जगह से निकलकर दिल्ली में बहुत सारा थिएटर किया, उसकी आईसीआईसीआई बैंक में कैसे जिंदगी रही, और उसके बाद कैसे थिएटर से निकल के मुंबई तक जाने के बाद वीरे दी वेडिंग फिल्म, रांझना जैसी फिल्म में काम करने के बाद आज अपने लिए और बहुत सारी चीजें तलाश रहा है। तो सूरज, कैसे शुरुआत हुई ये पूरे एक्टिंग की करियर की बचपन से? जॉब के बाद का जो टाइम होता था वो मुझे लगता था कुछ भी नहीं है करने को। आई यूज़ टू फील यू नो एम्प्टी, कि यार ठीक है जॉब 6 बजे फिनिश होगी, उसके बाद क्या है मेरे पास करने को, ना दिन घर जाने के बाद कुछ नहीं था, राइट? So somebody suggested me कि मंडी हाउस में बहुत सारा थिएटर होता है, you could go and join that, you know, कुछ एक्स्ट्रा होगा, you learn something and all those things. So I was like, okay. उस समय पे एक स्टेज फियर मेरे अंदर बहुत होता था, because ICICI में जब भी प्रेजेंटेशन देनी होती थी कुछ होती थी, I used to feel you know very conscious. तो मुझे था कि ठीक है थिएटर ज्वाइन करता हूँ, शायद वे मुझे निकल जाएगी. So that was one of the reason I joined theater. And coincidentally, I joined Asmita Theatre Group, right? Because इतने सारे ग्रुप थे. And this is a very funny story. That's for some other time, right? कि मुझे अस्मिता थिएटर ज्वाइन किया, and 5 years थिएटर करने के बाद, and I got Ranjana, right? Workshop हम लोगों ने साथ में की थी सर के साथ, सोनम कपूर was there, आनंद राय was there, सब वहाँ पे थे. तो coincidentally I got Ranjana because of that workshop. And after the Ranjana got released, I started thinking very seriously कि यार ठीक है, it's a nice thing. I should you know pursue the acting. मुझे as an actor pursue करना चाहिए career को, क्योंकि उससे पहले ये था कि okay, I'm learning so much, I'm you know getting a better person day by day because of theater. लेकिन you know job छोड़ के एक complete new field में जाना, you know एक secure life को छोड़ने के बाद एक नई field में जाना, एक नई city में जाना, फिर से scratch से शुरू करना, that was a tough call. And family का support रहा, and end of the day after release of Ranjana, एक साल बाद I shifted to Mumbai and job को छोड़ना, that was one of the very big decision. I'm really happy वो मैंने decision लिया, right? Family ने completely support किया, and that is very necessary. अगर family support होती तो चीजें बहुत smooth out हो जाती. So and यहाँ पे आने के बाद यहाँ की अपनी कुछ चीजें थी, वो तो down the line हम लोग discuss करेंगे. So really बिल्कुल। और सूरज, क्योंकि शुरुआत जो रही है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थिएटर से रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नाटकों से रही है, और उन बहुत सारे नाटकों में ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको तैयार करने के पीछे एक पूरी की पूरी जर्नी रही है। और स्पेशली मैं थोड़ा सा कोर्ट मार्शल के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इस सेशन का जो नाम रखा है मास्टर क्लास, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर जिनको बहुत सीखने का मौका मिलेगा। बहुत ही एक मुश्किल कैरेक्टर है रामचंद्र, जो कोर्ट मार्शल में है, तो रामचंद्र की प्रिपरेशन आपने कैसे की थी सूरज? रामचंद्र वाज बिग ब्रेक फॉर मी इन थिएटर,
राइट, उससे पहले सर मुझे अपॉर्चुनिटीज दे रहे थे थ्रू आउट द लाइन, सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था बिकॉज मैं उतना टाइम नहीं दे पाता था जॉब की वजह से। आई यूज़ टू रीच यू नो थिएटर 7 o'clock, जब 4 बजे थिएटर शुरू हो जाता था मैं 2-2.5-3 घंटे ही देखता था, उसके बाद सर ने मुझे बहुत एनकरेज किया था। तो रामचंद्र है अभी वो यू नो वन ऑफ द बिग बिग जहाँ पे मुझे एक बहुत ही प्रोमिनेंट कैरेक्टर करने की अपॉर्चुनिटी मिली। राइट, एंड आई वॉज इनिशियली आई वॉज पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, दैट इज अ वेरी इंटेंस कैरेक्टर। राइट, उसकी जर्नी अलग है, उसकी क्लास अलग है, उसके थॉट प्रोसेस अलग है, उसके कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, रामचंद्र की एक्सपीरियंसेस अलग है। राइट, रामचंद्र की जो स्टोरी है थ्रू आउट द प्ले सिटिंग मतलब 90% और 95% पूरा प्ले उसकी माइंड में चल रहा है, सारे इंसिडेंट सारी चीजें सब कुछ उसके माइंड में चल रहा है। तो चैलेंज वॉज की वॉज सिटिंग फॉर 95% ड्यूरेशन जो भी गवाही दी जा रही है, जो भी कैरेक्टर बता रहा है रामचंद्र के बारे में, अच्छा बता रहा है, बुरा बता रहा है, रियल बता रहा है, कुछ झूठ बता रहा है, कुछ एक्सेप्ट करके बता रहा है, वो सारी चीजें उसकी बस फेस के थ्रू या उसकी बस आईज के थ्रू कन्वे हो रही है। एंड एक मोमेंट आता है जब वो वहाँ पे खड़ा होकर जब वो अपनी गवाही देता है, जहाँ पे वो कम्प्लीट ब्रेक डाउन में हो जाता है। राइट, आई थिंक उससे भी ज्यादा टफ फॉर मी वॉज दैट जर्नी बिकॉज दैट वॉज द लास्ट पोर्शन जहाँ पे वो अपनी गवाही देता है, ऑलमोस्ट लास्ट वो जर्नी, क्योंकि वो जर्नी जब टेन आप वहाँ पे जाके वो मोमेंट होता है, जर्नी में आप ब्रेक हो गए। राइट, 1.5 घंटे के लगभग प्ले था, 1 घंटे में 1.25 घंटे तक आप बैठे हुए हो, तो 1.25 घंटे में अगर 2 मिनट के लिए भी आप आउट हो गए। राइट, तो वहाँ पे जो आप गवाही देने वाले हो, जो सबसे इंटेंस मोमेंट आने वाला है वो आप नहीं कर पाओगे। तो उस यू नो फोकस को बनाए रखना कि थ्रू आउट आप 1 मिनट के लिए भी आप एक जगह पे आईज बैठे हुए हो, आईज खोल के बैठे हुए हो, और 1 मिनट के लिए भी आपका माइंड, जबकि ह्यूमन माइंड बहुत ही यू नो इट्स लाइक अ पारा, पारा की तरह अप एंड डाउन बहुत जल्दी जल्दी करता है। राइट, थर्मामीटर हमारा होता है, उसको एक जगह पे फोकस कर पाना कि थ्रू आउट यू कांट इवन लुक एट देम, यू आर जस्ट लिसनिंग 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 एंड फोकसिंग ऑन दैट, दैट वाज अ यू नो द टफेस्ट पार्ट एंड उसकी बैक ऑफ द माइंड उसकी वो जर्नी भी है कि बचपन से लेके बड़े होने तक उसने जो एक्सपीरियंसेस अपनी पर्सनल लाइफ में देखे थे रामचंद्र ने, उसके बाद उसने अपनी यू नो आर्मी में जो एक्सपीरियंस उसके साथ हुए हैं, बाकियों को नहीं पता लेकिन रामचंद्र को पता है उसके साथ क्या क्या हुआ है। राइट, कोई क्या उसके रिलेटेड उसके पास रेफरेंस। राइट, सुबेदार उसके पास पता है सुबेदार साहब कैसे थे, क्या थे, उन्होंने कैसे किया, कैसे नहीं किया, रामचंद्र ने कैसा फील किया। तो सीरियसली दैट वॉज अस्मिता में इतने सारे प्लेस किए, इतने सारे स्पीच प्लेस करने की अपॉर्चुनिटी मिली, बट रामचंद्र की वो जर्नी, वो फोकस, वो थ्रू आउट कनेक्शन रेफरेंसेस बिल्ड करते जाना, एंड लास्ट का वो मोमेंट, दैट वॉज टिल डेट वन ऑफ द यू नो मोस्ट इंटेंस कैरेक्टर फॉर मी। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मैंने रामचंद्र किया था, उसके बाद लोग बाहर बैठे हुए थे, शी वाज आल्सो देयर, सभी लोग बाहर बैठे हुए थे, प्ले के बाद फीडबैक कर रहे थे, सर केम टू मी विद द बुके एंड गिव इट टू मी कि बेटा बहुत अच्छा किया, यू नो दैट वाज द फर्स्ट टाइम सर ने मुझे शाबाशी दी थी कि तूने अच्छा किया, इससे पहले सर यही बोलते थे तुझे बहुत कुछ करने की दैट इज द मोमेंट दैट इज स्टिल विद मी ओके ओके। बिल्कुल, वो अरविंद सर बड़ी मुश्किल से शाबाशी दिया करते हैं अभी भी। और सूरज, एक एक्टर के पास जब भी स्क्रिप्ट आती है, अब आपके चाहे अभी मैं सिर्फ नाटकों की बात कर रहा हूँ, जब भी कोई नाटक की स्क्रिप्ट आपके पास आती है तो सबसे पहला जब स्क्रिप्ट आपके हाथ में आ गई तो पहली चीज आपके माइंड में क्या आती है, और आप रीडिंग का प्रोसेस आपके हिसाब से उसका मतलब क्या होता है, हाउ टू रीड अ स्क्रिप्ट। राइट, ठीक है, ये काफी टाइम के मुझे काफी टाइम लगा इस चीज को समझने में, एग्जैक्ट पकड़ने में। राइट, बिकॉज एक्टिंग इज सच अ थिंग, सबका अपना प्रोसेस है, यू कांट कॉपी एनीवन। ठीक है, और उसकी ये जर्नी रही है या उसका प्रोसेस ये है, वो इस तरीके से कैरेक्टर को अप्रोच करता है, करती है, करते हैं, ठीक है, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो। सबको अपना एक डेवलप करना पड़ता है कि जिसमें बेस्ट सुटेबल हो। राइट, कि दिस इज द बेस्ट सुटेबल फॉर मी। तो मेरे लिए जो जो एक्सप्लोर करके फाउंड आउट कि मैं सबसे पहले स्क्रिप्ट को पढ़ता हूँ नॉर्मली न्यूट्रली, जैसे हम बचपन में कहानी को पढ़ते थे, कोई भी कहानी मिलती थी तो हम लोग पढ़ते थे नॉर्मली बैठे, तो मैं जब स्क्रिप्ट को एक बार पूरी पढ़ता हूँ कंप्लीट,
ठीक है, विदाउट एनी इफ बट विदाउट एनी नोशन, विदाउट कीपिंग द कैरेक्टर की मैं कौन सा कैरेक्टर करने वाला हूँ या कर रहा हूँ या ठीक है सिचुएशन क्या है, कुछ नहीं। पूरी पढ़ने के बाद अच्छी का क्या है 5 मिनट में सोचता हूँ कि क्या किया चाहिए, अगेन आई गिव इट अ रीड राइट, उसमें मैं उस सिचुएशन को समझता हूँ। बिकॉज एक होती है पूरी स्क्रिप्ट, सपोज एज एन एक्टर सर्टेन सीन्स आते हैं आपके पास राइट, कि यार ये सीन है, ये सीन ये स्क्रिप्ट है, ये सीन है, अभी हम लोग ये सीन शूट करने वाले हैं। मैं राइट जो प्रैक्टिकली होता है शूट में उसकी बात कर रहा हूँ, ये सीन है, ये सीन अभी हम शूट करने वाले हैं, तो यू हैव ठीक है वो पढ़ा। उसके बाद सेकंड टाइम में मैं सिचुएशन को पढ़ता हूँ, ओके सिचुएशन क्या है, कैरेक्टर कर क्या रहा है, बाकी के को एक्टर्स क्या कर रहे हैं, बाकी के कैरेक्टर क्या कर रहे हैं, ओवरऑल सिचुएशन क्या है। थर्ड अटेम्प्ट में मेरा पूरा फोकस कैरेक्टर के ऊपर होता है कि ओके कि मेरा जो कैरेक्टर है ये क्या कर रहा है, ये पूरी कहानी है, ये उसका ये सीन है, वो दोनों चीजें मैं पहले अपने दो रीडिंग में पढ़ चुका हूँ। थर्ड में मेरा ऑप्शन, मेरा मेन ऑब्जेक्ट है कि कैरेक्टर क्या कर रहा है, कैरेक्टर क्या सोच रहा है, सिचुएशन पता है, सिचुएशन में फंसा हुआ है, सिचुएशन में गुजर रहा है, राइट इज पासिंग थ्रू दैट, तो अभी वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, वो किस तरीके से करेगा राइट। इसमें भी एक छोटा सा अपनी तरफ से ऐड करूंगा, नॉर्मली क्या होता है जब भी इनिशियली जो मेरे लिए एक चैलेंज थी, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को सीने भी फेस की होगी, अभी भी कर रहे थे राइट, हम जब भी एक स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं राइट, सिचुएशन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम ये अचीव करने लगते हैं कि हमें कहानी पता है, सिचुएशन पता है, लेकिन हम कैरेक्टर की जगह ना अपने आप को रख देते हैं कि ऐसे सिचुएशन में मैं होता हूँ तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा राइट, मैं ऐसे रिएक्ट करूंगा, मैं ऐसे बोलूंगा या वैसे बोलूंगा, मैं ऐसे देखूंगा या इस तरीके से इसको लूंगा, तो और उस तरीके से फिर हम लोग ऑडिशन होते हैं या फिर शूट होता है तो उस तरीके से हम लोग कर देते हैं, लेकिन वहां पे मोटिव ये नहीं है कि आप इस सिचुएशन में तो क्या करते हैं, बिकॉज दैट इज द इजीएस्ट पार्ट ना, कि यार मैं होता तो मैं तो ऐसे 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 कर देता, बट थिंग इज नॉट कि आप होते, थिंग इज कि वहां पे वो कैरेक्टर है, उसकी एक जर्नी है, उसको एक डेवलप किया है राइटर ने, बहुत सारे रेफरेंस को लेके उसको डेवलप किया है, बहुत सारे यू नो रेफरेंस आपको दिए गए हैं उसको समझने के लिए, तो कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो उसमें मैं एटलीस्ट दो वर्जन अपने प्रिपेयर करता हूँ ठीक है, ये कैरेक्टर सिचुएशन में या तो एक्ट कर सकता है या फिर ऐसे भी कर सकता है। आफ्टर दैट इफ आई गेट दैट, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है जो कि मैं नॉर्मली कोशिश करता हूँ, मैं डायरेक्टर से बात करता हूँ कि सर आई एम थिंकिंग लाइक दिस कि यहाँ पे सिचुएशन है, ये कैरेक्टर या तो ऐसे करेगा या फिर ऐसे करेगा, सो व्हाट डू यू थिंक, बिकॉज एंड ऑफ द डे दिस इज द डायरेक्टर्स मीडियम राइट, मैं कितना भी अच्छा करूँ लेकिन अगर डायरेक्टर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, डायरेक्टर का जो एक थॉट प्रोसेस है उस कैरेक्टर को लेके, ओवरऑल स्टोरी को लेके, बिकॉज एज एन एक्टर मैं कैरेक्टर की जर्नी देख रहा हूँ, लेकिन एज अ डायरेक्टर वो पूरी एक कहानी, वो एक एक छोटे छोटे कैरेक्टर की जर्नी को देख रहे हैं, उन सबकी कलेक्टिव जर्नी से मिलकर कहानी बनती है राइट। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि मेरा जो थॉट प्रोसेस है, यानी मेरे जो कैरेक्टर का थॉट प्रोसेस है, दैट शुड मैच विद द विजन ऑफ द डायरेक्टर। तो मैं सबसे बात करता हूँ डायरेक्टर से कि ठीक है सर, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट इस तरीके से कोशिश करूँ, एंड अगर वो उसमें से सजेस्ट करते हैं या फिर कुछ फर्दर वो इनपुट दे देंगे, नहीं इसमें ना नहीं नहीं मुझे ऐसे नहीं यार, मैं चाहता हूँ इस तरीके से हो, end of the day I personally feel this is a director's medium, so an actor should try to be a director's actor right, very true, very true, mujhe vision se aapka jo effort hai wo combine hona chahiye, then only you can create something। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात कह गया सूरज, जो लोग भी देख रहे हैं कि वो डायरेक्टर्स का व्यू बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। और सूरज, जहाँ डायरेक्टर से रिलेशनशिप की बात आई है, तो मतलब ठीक है, आपको एक आध बार अगर कोई सोलो परफॉर्मेंस करने का मौका मिल गया तो उसमें आप अकेले ही परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे 5 कैरेक्टर हैं, 6 कैरेक्टर हैं, 7 कैरेक्टर हैं, और वो किसी भी नाटक में हो सकता है, तब क्या आपका जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर का बाकी 10 हो सकता है कोई प्ले में उस कैरेक्टर से बातचीत भी ना करता हो जो आपका कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी उन सब से रिलेशन बनाने में भी आप फोकस करते हो कि उन सबका हो सकता है कि रिलेशनशिप स्क्रिप्ट में ना दिखाया हो, लेकिन आप फिर भी एक दुनिया बनाने की कोशिश करते हो कि इस कैरेक्टर का इन सबसे रिलेशन कौन कितना पास है, कौन कितना दूर है। कोई भी कहानी होती है, मैं नॉर्मल लाइफ की बात करूँ, सबकी एक कहानी होती है राइट, तुम्हारी एक कहानी होगी, राहुल मेरी,
सबकी एक कहानी होती है। तो हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे हम कभी मिले नहीं, वर्चुअल वर्ल्ड आज के लिए बहुत सारे लोग हैं जिनसे मिले नहीं है, लेकिन जिनकी बातें या जिनकी ओपिनियन या जिनकी चीजें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे थॉट प्रोसेस को या जो हम करते हैं जिस तरीके से करते हैं कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। इसी तरीके से एक कहानी है, राइट, जिस कैरेक्टर से हम मिले भी नहीं, एक कहानी है तो उसका हर कैरेक्टर कहीं ना कहीं इंटरलिंक होता ही होता है, लेकिन सबका एक्शन तो कहीं ना कहीं रिएक्शन आता है। इट्स ऑल अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन। किसी ने कुछ कहा उसका एक रिएक्शन आया, उसने उसका एक रिएक्शन आया, वो पूरी एक चेन होती है। तो एंड इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, यू नो, इट्स नॉट लाइक कि ठीक है यार तुम इतना हद तक कर लो, इस लेवल तक आप कर लो, इस लेवल तक आप सोच लो कि किसका क्या कैसे है, कौन किस तरीके से लेंगे, उसकी क्या जर्नी है, उसकी क्या जर्नी है, इन अ स्ट्रिक्ट टाइम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, तो आपका हो जाएगा। आप जितना इसमें थॉट प्रोसेस दोगे उतना ही और अच्छा बहुत ही फाइन कैरेक्टर निकल के और सूरज एक एक जो अस्मिता में अभी बहुत सारे एक्टर्स हैं, इवन बहुत सारे स्कूल के बच्चे भी अभी देख रहे हैं, सब लोग ना एक तेरे साथ जो एक बहुत बड़ी चीज जुड़ी हुई है वो मैं सबको बता देना चाहता हूँ। सब लोग कभी कभी सोचते हैं यार मैं तो अकेला रहता हूँ, मुझे कपड़े भी अपने आप धोने पड़ते हैं, मुझे खाना भी अपने आप बनाना पड़ता है, मैं ऑफिस से काम करके इतने बजे आता हूँ, मुझे वहां पर भी जाना होता है, यहाँ वहां यहाँ इधर उधर करके इतनी सारी चीजें डालने के बाद अगर फिर मुझे रिहर्सल में आना पड़ता है, तो ये जितने भी एक्सक्यूजेस हैं सॉरी, मैं सूरज आईसीआईसीआई बैंक में जॉब में भाग कर आ रहा होता था, आईटीओ में पहले अस्मिता थिएटर हुआ करता था। तो सूरज एक तो जब आप बैंक में जब काम करते होते थे तब थिएटर में क्या चल रहा होता, मतलब माइंड में क्या चल रहा होता था थिएटर के बारे में, और मैं सच में बता रहा हूँ वो अस्मिता के बाहर के गेट से भागते हुए आईटीओ वाले अस्मिता के स्टेज तक, उस समय तक रिहर्सल शुरू हो चुकी होती थी और कोई ना कोई क्लासरूम प्रोडक्शन की रिहर्सल चल रही होती थी, तब एकदम से चढ़ के एकदम से माइंड लगा के इतना कंसंट्रेशन, ये कैसे मुनासिब था? I want to do this, कि मुझे ये करना है, मुझे वो अचीव करना है या वहां पे मुझे होना है, राइट, तो बाकी सब चीजें कहीं ना कहीं सेकेंडरी हो जाती है। चार बजे थिएटर शुरू होता था एंड आई यूज्ड टू कम बाय 6:30-7 o'clock, जितने बजे मैं ऑफिस से फ्री होता था, बिल्कुल राइट, तो मेरा पूरा फोकस ऑफिस में होता था बिकॉज उस टाइम में थिएटर में कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन चार बजने के बाद ही मेरा बस दिमाग कहीं ना कहीं शुरू हो जाता था कि यार अभी वहां पे वो उन लोगों ने एक्सरसाइज शुरू कर दी होगी, कुछ नहीं पता होता था, लेकिन हम लोग बहुत ही ऐसे पढ़ते इसी तरह पढ़ते रहते थे कि ओके ऐसे 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 पूरी एनर्जी से वॉइस के ऊपर काम करना, कुछ नहीं पता होता था, बहुत नए थे हम लोग हाथ में भी, कितना भी टाइम इसमें आप लगा तो उसके बाद भी आपको बहुत कुछ सीखने को होता है। तो आई स्पेंड अराउंड 12 एक्टिंग एज ऑफ नाउ, लेकिन अभी भी मुझे लगता है यार अभी तो कुछ आता ही नहीं है, अभी तो बहुत 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 कुछ सीखना है। तो उस समय भी यही होता था कि यार मुझे बहुत प्यार था, मुझे बहुत मजा आता था वहां पे पहुंच के एक्सरसाइज करने में, स्क्रिप्ट रीड करने में, हमारे जो सीनियर्स होते थे यू नो बजरंग भाई या वीरेन भाई तमाम लोग, उन सबको देखने में, क्योंकि देख के आप बहुत कुछ सीखते हो, देख के आपको पता लगता है कि इन्होंने ये गलत किया, मैं होगा तो मैं ऐसे नहीं करूंगा, राइट, नहीं करूंगा, वेरी ट्रू, आप अपनी ऑब्जर्वेशन से सही है गलत है वो सेकेंडरी है, लेकिन आपका दिमाग चल रहा होता है, ठीक है, एंड सेकंड थिंग कि बिकॉज़ आई वांटेड टू बी इन दैट प्रोसेस, मुझे लगता था कि यार मुझे प्रोसेस कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिवनेस थी, मुझे लगता था कि यार यू नो उस समय पे हम लोग साथ थे, राहुल, मैं, गौरव, शेर,
मुझे कहीं ना कहीं रहता था कि यार ये लोग, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये मेरे से आगे निकल जाएंगे, है ना। तो मुझे रहता था कि मैं जल्दी से यहाँ से निकलूँ, वहाँ पे पहुंचू इन लोगों के साथ। तो इसीलिए मुझे डबल एफर्ट मारने होते थे कि यार मैं कहीं ना कहीं पीछे ना जाऊँ। एक साथ अगर हम ग्रुप कर रहे हैं, एक कड़ी भी अगर कमजोर है तो पूरे ग्रुप को डाउन करती है। तो मुझे रहता था कि यार मेरा ग्रुप डाउन नहीं होना चाहिए। जितना टाइम हो सके उतना टाइम नहीं नहीं बिल्कुल, मैं यही, क्योंकि हम सब बहुत मोटिवेट होते थे उस समय, चाहे मैं हूँ, हिमांशु मग्गो है, शिव चौहान है, अनीश है, देवेश है, और सब अपने अपने फील्ड में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो ग्रुप ऐसा होता था कि लड़ जाएंगे मर जाएंगे, सर ने कुछ कह दिया वो काम करना ही करना है, चाहे कोई बैक स्टेज का प्रोडक्ट रह गया हो या कुछ स्टेज का प्रोडक्ट रह गया, वो करना ही करना है। एक और सूरज, तेरे साथ जो बहुत बात जोड़ी जाती है, और सर भी अक्सर हमेशा बात करते हैं इसके बारे में, सर कहते थे हमेशा कि आप 24 घंटे किसी ना किसी को कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिचुएशन आप ऑब्जर्व करो। तो मैंने कभी अगर हम चाय पीने बैठे, मैं बहुत ही एक बहुत जरूरी बात कर रहा हूँ और बहुत जरूरी समझ भी आ जाएगा सबको, कभी हम चाय पीने बैठे तो मैंने देखा कि सूरज चाय तो पी रहा है लेकिन फुल ऑन कुछ ना कुछ तो इसके दिमाग में चल रहा है, वो आंखें हमेशा चलती रहती थी। कभी हम किसी रेस्टोरेंट में चले गए, वहां भी मैं देख रहा हूँ कि मैंने चाप ऑर्डर की है खाने के लिए, मैं खाना ऑर्डर कर रहा हूँ और सूरज कहीं ना कहीं उसका ऑब्जर्वेशन अभी भी चल रहा है। तो ये जो 24 घंटे वाला ऑब्जर्वेशन है सूरज, ये कितना जरूरी है, और आपका पर्सनल, ये सबका अलग अलग प्रोसेस रहता है, सो आपका ऑब्जर्वेशन का कैसे प्रोसेस रहता था हमेशा, क्योंकि मैंने हमेशा आपको किसी ना किसी को देखते ही हुए ही देखा है। अगर आपके पास रेफरेंस ही नहीं है तो आप बिना रेफरेंस के आप एक्ट कैसे करोगे? हर चीज लाइफ में आप सारी चीजों को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, लिमिटेशन है लाइफ, राइट। सारे एक्सपीरियंसेस नहीं हो सकते कि ठीक है ऐसा होगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा तो कैसा होगा, कोर्ट में कैसा होगा, लाइफ में कैसा होगा, या फिर यू नो सीनियर पुलिस ऑफिसर किस तरीके से बिहेव करता है या किस तरीके से अपने आप को कैरी करते हैं, या फिर कोई एक यू नो IAS IPS वो किस तरीके से, बिकॉज हम लोग प्लेस करते थे तो उसमें ये होता था एक कैरेक्टर था एक मामूली टू कमिश्नर, तो वो इनिशियली मुझे बहुत दिक्कत होती थी बिकॉज मेरे पास रेफरेंस नहीं था, तो मैं अपने लिमिटेड करता था लेकिन उसमें वो बात नहीं आती। तो वंस हम लोग किसी प्रोटेस्ट में थे तो वहां पे मैंने एक सीनियर यू नो IAS ऑफिसर को देखा, आधे घंटे एक घंटे तक आई जस्ट ऑब्जर्व हिम साइलेंटली, वो किस तरीके से कर रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज उनकी क्या है, किस तरीके से वो बात कर रहे हैं, किस तरीके से वो कन्विंस कर रहे हैं, किस तरीके से वो सोच रहे हैं। आई गॉट द रेफरेंस एंड नेक्स्ट टाइम आई डिड द प्ले, तो कमिश्नर करने में मेरे लिए मेरे पास बहुत सारे रेफरेंसेस थे, ठीक है कि उन्होंने ये चीज इस तरीके से बोली थी, एटलीस्ट वो चाहे यूजफुल है या नहीं है दैट इज सेकेंडरी, लेकिन मेरे पास एक रेफरेंस था जहाँ से मैं रेफरेंस ले सकता हूँ कि यार इस तरीके से कर सकते हैं, तो मेरा कैरेक्टर ऐसे कर सकता है, इस तरीके से भी किया जा सकता है, एक नया पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिल जाता है करने के लिए। अब कहीं पे भी हम इतने लोगों से मिलते हैं, यू नो द फनी पार्ट, हम सबसे ज्यादा टाइम अपने साथ स्पेंड करते हैं, लेकिन हमें अपने बारे में ही नहीं पता होता है। अगर कोई हमसे आज की डेट में बोल दे कि यार ठीक है तुम किस तरीके से बोलते हो, कैसे करते हो, करके देखाओ, तो हम लोग कॉन्शियस हो जाएंगे, पता ही नहीं होगा कैसे करें, अच्छा यार मैं कैसे करता हूँ, मैं यू नो ओवरऑल मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसे होती है, मेरी क्या होती है, क्योंकि हम अपने पे ध्यान ही नहीं देते, हम अपने बारे में सोचते ही नहीं, होना चाहिए एक्टर को किया ठीक है मैं कौन हूँ, मैं किस तरीके से कैरी करता हूँ, किस तरीके से चीजें होती हैं, बाकी के लोग किस तरीके से करते हैं, जिससे भी बात कर रहे हैं, इट्स अ प्रोसेस, एक बार ऑन हो जाएगा ठीक है उसके बाद फिर ऑन ही रहेगा, उसके बाद आपको एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार ऑब्जर्व करने के लिए, इनिशियली हैबिट, कोई भी हैबिट डेवलप करने के लिए बोलते हैं ना 21 डेज आपको चाहिए होते हैं, आप बिल्कुल बिल्कुल सूरज, बस
थिएटर से एक आखिरी क्वेश्चन, बहुत कम एक्टर ऐसे होते हैं स्पेशली बॉलीवुड में भी जो बहुत सारे आंदोलनों से निकले होते हैं या बहुत सारा नुक्कड़ नाटक करके स्ट्रीट थिएटर करके निकले होते हैं, लेकिन हम लोग को ऐसी ट्रेनिंग मिली है, तो ये जो स्ट्रीट थिएटर वाला पार्ट है ये बहुत लोगों की जिंदगी को टच नहीं करता, और एक जो बहुत सारे आंदोलन है चाहे वो निर्भया के समय पर 2016 में हो या 2011-12 में अन्ना हजारे वाला आंदोलन हो, क्योंकि हम सब एक साथ ही बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले रहे थे, तो ये कैसे काम आता है सिनेमा में और आज भी कितना याद रहता है वो? चीजों को लेके नॉर्मली अगर मैं बात करूँ कि हम लोग उसके पार्ट नहीं है तो हमें उस मूवमेंट के बारे में क्या है क्या नहीं कहाँ से पता लगेगा, न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर या फिर सोशल मीडिया या फिर लोगों के थ्रू कि यार ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, दैट इन्फॉर्मेशन माइट और माइट नॉट बी करेक्ट, राइट? और अगर वो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन पता भी है तो यू आर जस्ट इन्फॉर्म्ड, अगर लेकिन अगर आप उस मूवमेंट के या उस प्रोटेस्ट के पार्ट हैं तो यू आर नॉट ओनली जस्ट इन्फॉर्म्ड, यू आर ओपिनियटेड, आपका एक ओपिनियन होता है कि यार ये चीज सही है ये चीज गलत है, सही के लिए हमें आवाज उठानी चाहिए, और अगर आप किसी प्रोटेस्ट के मूवमेंट के पार्ट नहीं है तो ओपिनियटेड होने के चांस थोड़े से कम हो जाते हैं, पर एक एक्टर का सिर्फ इन्फॉर्म होना काफी नहीं है, एक्टर के पास अपना ओपिनियन भी होना चाहिए, आपको शेयर करो ना करो दैट्स योर चॉइस, राइट? लेकिन आपके पास अपना पर्सनल ओपिनियन होना चाहिए किसी भी बात के लिए, दिस इज करेक्ट दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है? एंड देयर ऑलवेज शुड बी अ होप जहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि ठीक है मेरा जो ओपिनियन है वो गलत भी हो सकता है, पत्थर की लकीर नहीं है कि मैं जिसको को सही मान रहा हूँ वो सही ही होगा, ठीक है मेरा ओपिनियन गलत भी हो सकता है, इस टाइप का होप कि आपको करेक्ट किया जाए तो करेक्ट भी हो जाओ, दैट फ्लेक्सिबिलिटी टू बी देयर। तो मूवमेंट प्रोटेस्ट जितने भी हम लोगों ने पार्टिसिपेट किए, राइट, उन सबसे मुझे एक पर्सपेक्टिव मिला, तो मेंटली मैं बहुत स्ट्रांग हुआ, राइट? चीजों में इन्वॉल्व होते हो, बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं, सडनली हम लोग जाते थे इतने लोग होते थे, सडनली कई बार ऐसा हुआ कि पुलिस चार्ज हुआ उसमें हम लोगों का ग्रुप फंस जाता था, लाठी चार्ज किया गया, एज अ टीनेजर हम लोग तब कितने 20-22 कितने एज थी हमारी, इतनी कम एज में हम उन एक्सट्रीम सिचुएशन में होते थे, राइट? हमारे लिए तो एक्सट्रीम थी उस एज में, तो आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाते हो, उसका बेनिफिट ये होता है लाइफ में कि कोई भी सिचुएशन आ जाए तो आप हंसोगे नहीं उसमें, सिचुएशन आएगी कि लाइक ओके आई हैव बीन इन सिचुएशन लाइक दिस, ठीक है सब सिचुएशन में आए निकल जाएंगे इसमें से भी निकल जाएंगे, तो प्रोटेस्ट का बेनिफिट मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हो, आपके पास एक पर्सपेक्टिव आता है, पर्सपेक्टिव आने से आप एक ओपिनियन रख सकते हो, और ओपिनियन रखना आज के टाइम में जबकि हर इंफॉर्मेशन के इतने पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, हर इंसान एक ही इतने तरीके से देखता है, सबका अपना एक नजरिया है देखने का, तो आपके पास अपना ओपिनियन होना बहुत जरूरी है, थिएटर प्रोटेस्ट सबने मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटली स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बींग बनाने और मेंटली स्ट्रॉन्ग एक्टर बनने में बहुत हेल्प। क्योंकि सूरज अभी क्योंकि बॉलीवुड में भी जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो भी बड़ा एक यंग ब्रिगेड जो आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों से निकलते हुए इन्हीं चीजों को सोचते हुए आगे आ रहे हैं और बहुत सारी फिल्म भी वैसे ही बनती जा रही है, तो सूरज थिएटर से एकदम माइंड में जब आया कि अब शिफ्ट होना है और बॉम्बे की तस्वीर नजर आने लगी तो मैं बिल्कुल तेरे को कंप्लीटली द स्टेज इज योर्स, जब सूरज पहली बार बॉम्बे में उतरा ये नहीं पता था कि वीरे दी वेडिंग कब मिलेगी कैसे मिलेगी, ये नहीं पता था कि और काम कब मिलेगा कैसे मिलेगा, एंड टीवी पर काम करना होगा या फिर जो क्राइम स्टोरीज आती हैं उन पर काम करने का मौका मिलेगा, जब सूरज एज एन एक्टर उतरा तो उतरने के बाद वो क्या पिक्चर थी, अब कैसे प्लान करना है, क्या होने वाला है, प्लीज इससे इतना सीखने को मिलेगा ना, क्योंकि यू हैव एस्टैब्लिश्ड योरसेल्फ इन मुंबई राइट नाउ और ये मैं बहुत खुशी से बोलता हूँ। थैंक यू।
दैट वाज वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि उस मोमेंट पे अनसर्टेनिटी होती है ऑब्वियसली, बिकॉज आप एक नए शहर में आए हो जहाँ पे आप उससे पहले आए हो शायद या नहीं भी आए हो, घूमने के लिए आए होंगे कोई कोई कभी कभार, तो बात अलग है, उस शहर में पहले कभी नहीं आए हो, तो इट्स अ कंप्लीट न्यू सिटी, कंप्लीट न्यू कल्चर, आपके जो होम टाउन है उससे बहुत दूर है, तो यू कांट इवन पुट अ रिलेशन को रिलेशन की ठीक है यार चलो मिलता जुलता है, अनसर्टेनिटी है कि आप कहाँ रहने वाले हो, किस तरीके से रहोगे, कहाँ पे अभी आपको ढूंढना है, ठिकाना ढूंढना है, जहाँ पे आप सामान रखोगे या खुद रखोगे, कहाँ रखोगे, कैसे खाओगे, कैसे पियोगे, कुछ नहीं पता। तीसरी, काम मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किसको अप्रोच किया जाए, किस तरीके से किया जाए, और आपको अगर कुछ पता भी है तो अनसर्टेनिटी होती है कि चलो इससे मिल भी लें तो भी कुछ पता नहीं ना काम मिलेगा नहीं मिलेगा। मुंबई इज अ वेरी एक्सपेंसिव, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन इंडिया, तो वो भी आपको एक होता है कि यार ठीक है आप समझाएं मुझे फंडिंग की भी सर फंडिंग की बहुत जरूरत पड़ने वाली है बिकॉज यू कांट सर्वाइव विदाउट मनी है, ठीक है। और अ कॉन्ट्रारी, आंखों में बहुत सारे सपने होते हैं, ठीक है, क्या यार अब इतनी दूर घर बार छोड़ के सब कुछ छोड़ के जॉब छोड़ के यहाँ पे आए हैं, अब तो कुछ करना ही करना है, राइट, एक वो जोश होता है राइट कि यार हो जाएगा यार क्यों नहीं होगा यार होगा ना यार, हम लोग प्रिपेयर्ड होके आए, बहुत सारे लोग तो शायद उतने प्रिपेयर नहीं होते, थिएटर बैकग्राउंड है, सीखा है, ट्रेन एक्टर है, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे लेकिन होगा क्यों नहीं होगा, तो एक अनसर्टेनिटी है वो आपको कहीं ना कहीं नीचे की तरफ पुल कर रही है, कि यहाँ पे आप बहुत ही आपके ड्रीम्स आपकी होप्स बहुत ही हाई नोट पे है, वो आपको ऊपर की तरफ पुल कर रही है, तो वो एक अप एंड डाउन चल रहा होता है ना माइंड के अंदर, लेकिन एंड ऑफ द डे आपकी आईज में बहुत ही एक शाइनिंग होती है, एक चमक होती है कि यार हो गया यार क्यों नहीं होगा, आपको मैं फाइनली जो शुरू में हमारे अंदर होती है ना कि यार होगा क्यों नहीं होगा, होगा 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 करके रहेंगे, ठीक है, डाउन द लाइन जैसे जैसे हम टाइम यहाँ पे मुंबई में स्पेंड होता है कुछ महीने कुछ साल, उसके बाद ना वो एंथू डाउन होता चला जाता है, हमारा वो जोश कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होता चला जाता है, लाइफ की रियलिटीज हमारे ऊपर हावी होने लग जाती है, यार होगा काम नहीं मिल रहा है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, मीटिंग ऑडिशन थी उसके बाद भी काम नहीं मिला है, कुछ पॉजिटिव नहीं आ रहा है, कुछ काम मिल भी रहा है तो उतना नहीं मिल रहा है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, प्लस कहीं ना कहीं फैमिली भी कंसर्न दिखाती है ऑब्वियसली राइट, तो काम कहीं ना कहीं उनसे भी वो होने लगता है, इस सब के बीच में भी अगर आप अपना जो जोश और जो पॉजिटिव फीलिंग फंसती होती है ना जब आप मुंबई के अंदर पाँव रखते हो अपना, अगर उसको मेंटेन कर गए तो सारे थॉट के बावजूद यू सकते हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप जो रियलिटी है ग्राउंड रियलिटी है उनके उनके वेव से अपने आपको डाउन होने दिया तो आई थिंक आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अचीव नहीं कर पाओगे, नहीं कर लोगे काम करोगे कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन जो आप चाहते थे जिस लेवल तक आप चाहते थे शायद उतना नहीं कर पाओगे, तो पॉजिटिव रहना यू नो एंड होपफुल रहना, अपने ऊपर काम करना, दीज आर द वेरी बेसिक नेसेसिटी थिंग्स, पॉजिटिव रहना हर मोमेंट पे हर उसमें, ठीक है, व्हेन आई लैंडेड हियर आई हैड नो आइडिया, रांझना को भी एक साल हो चुका था तो मुझे लग रहा था हो सकता है मैं रांझना के इमीडिएटली बाद आ जाता तो मैं लोगों को बता सकता था कि रांझना की है, इट वाज अ रीसेंट मूवी तो लोग भी शायद बेटर तरीके से अपॉर्चुनिटीज मिलती, मुझे लग रहा था यार मैं एक साल बाद आया हूँ रांझना रिलीज हो, लोग रांझना को भूले नहीं है, लेकिन होता है ना कि एक फ्राइडे के बाद नेक्स्ट फ्राइडे तक लोग उतना याद नहीं रखते, ये तो एक साल के बाद में आया था, मुझे लग रहा था कि यार पता नहीं क्या है, किससे मिलूंगा किससे नहीं मिलूंगा, कैसे होगा होगा कुछ नहीं होगा किस तरीके से होगा, बट एक व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन तो एक मैंने ना स्टोरी सुनी थी और सबने सुनी होगी एक्चुअली बहुत लोगों ने सुनी होगी कि कितनी भी लंबी जर्नी हो सपोज डार्क है एकदम अंधेरे में अगर आप जर्नी शुरू कर रहे हो आपके पास टॉर्च है तो टॉर्च जब आप ऑन करते हो तो वो आपको आपके स्टार्टिंग पॉइंट से आपका जो डेस्टिनेशन है वहां तक की जर्नी नहीं दिखाता है, वो आपको सिर्फ एक मीटर तक नहीं दिखाता है कि यार ये एक मीटर है, इस एक मीटर को आप रोशनी में क्रॉस कर लो, आप जैसे ही एक मीटर को क्रॉस करोगे उसके बाद आगे का एक मीटर दिखाता है, तो मेरे लिए वो जो लर्निंग उस स्टोरी से उस समय से रही जो आज तक मेरे लिए मेरे साथ है जो मेरे काम भी आई वो ये थी कि
और आप आज के दिन में देखो, ठीक है, मुझे आज ये करना है, मुझे अपना ये 1 मीटर आगे चलना है रोशनी में, वहां पहुंचूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे आगे का 1 मीटर दिखने लगेगा, और पहुंचूंगा तो आगे का ऑटोमेटिकली 1 मीटर दिखने लगेगा, ऐसे 1-1 मीटर करते करते मैं वहां पहुंच जाऊंगा जहां मुझे पहुंचना है या जहां मैं पहुंचना चाहता हूँ। तो पॉजिटिव रहना सारी XYZ प्रॉब्लम के बावजूद, बहुत ही फोकस्ड रहना, अपने ऊपर डेली काम करना, डेली मतलब डेली, कि एक भी ऐसा नहीं होता कि यार ठीक है एक दिन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, या एक दिन करने से क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ईच डे मैटर, जिस दिन हम नहीं करते हमें चाहे महसूस हो या ना हो कहीं ना कहीं हम पीछे चले जाते हैं, जिस दिन हम करते हैं हमें चाहे महसूस हो या ना हो कहीं ना कहीं आगे चले जाते हैं, जैसे हमारे बॉडी की ग्रोथ होती है, हमें दिखती नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं हम ग्रो होते ही चले जाते हैं। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल सूरज, और इस कन्वर्सेशन में तो बहुत सारी बातें कहकर चला गया कि एक तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि रोज अपने ऊपर काम करने वाली बात है, और आपका वो जो एंथुजियाज्म है वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए। सूरज, वीरे दी वेडिंग के बारे में बात नहीं करूंगा तो बात पूरी नहीं होगी। वीरे दी वेडिंग एक ऐसी फिल्म है जिसमें आपके पास सारे स्टार थे, आपके पास करीना कपूर है, आपके पास स्वरा भास्कर है, तमाम एक्टर इंडस्ट्री के आपके पास है, आपके अस्मिता थिएटर ग्रुप से इश्फाक सिंह वाज आल्सो देयर जो बहुत अच्छा काम कर रहा है अभी। सो क्योंकि मैं ये सवाल इसीलिए पूछ रहा हूँ कि ठीक है आपने थिएटर कर लिया, ठीक है आप मुंबई शिफ्ट भी हो गए, अब जो बात आती है ना एक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर, इन सब का जो रिलेशनशिप है ना, ये आई नो बहुत सारे बड़े कास्टिंग डायरेक्टर के आने के बाद ये चीजें बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो गई हैं, लेकिन अब बहुत सारे एक्टर्स और इनका जो कनेक्शन है ना, ये ना कहीं अभी भी छुपन छुपाई वाला कनेक्शन है, या तो बहुत सारे एक्टर्स को नहीं पता कि कैसे कास्टिंग डायरेक्टर से मिला जाए, ऑडिशन कैसे दिया जाए, या फिर उनको पता ही नहीं चलता कि ऑडिशन है कब और कहाँ और किस लिए और कब होने वाला है। सो आपने कैसे जर्नी कैसे रही सिर्फ फिल्म की वीरे दी वेडिंग की? वेरी नाइस, रियली नाइस, डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट था कंप्लीट फॉर मी, राइट, उसकी प्रिपरेशन, मूवी का मिलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है, बिकॉज आई गॉट द मूवी थ्रू मुकेश चावड़ा कास्टिंग एजेंट, राइट, ओके, वहां के बाद कॉल आया कि आज एक ऑडिशन है मूवी के लिए आप आ पाएंगे, मैं बोल रहा था अच्छा ओके आई कम, लेकिन कुछ मेडिकल इमरजेंसी थी तो मैं नहीं जा पाया, राइट, कल अगर आप चाहे तो आ सकता हूँ, नहीं कल नहीं होगा सर, अच्छा ओके, उसके बाद बात आई गई होगी, आपने 15 डेज ही कॉल मी बैक दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड, लेकिन आपने मुझे इन्फॉर्म किया, ये मैं इंसिडेंट इसलिए बता रहा हूँ, उसने कहा आपने मुझे इन्फॉर्म किया, दो बार इन्फॉर्म किया कि आप नहीं आ पाओगे, मुझे लगा कि यार आप जेन्युइन रीजन है, जेन्युइन कंसर्न है, तो मैंने आपके नाम से देखा कि हमारे पास पुराने कौन कौन से ऑडिशन टेप्स हैं, तो जो ऑडिशन टेप्स थे आपके पुराने और जो इंट्रोडक्शन थे वो उसमें से सेलेक्ट करके जो अप्रोप्रिएट लगा वो हमने आगे भेज, वहां से वो उसके व्याप में शॉर्टलिस्ट हो, आप उसके व्याप में आप फाइनल हो गए, राइट, की चीज है, आई गॉट इट, भगवान की कृपा रही कि कुछ मिले, क्या बात है, शेयर ये कर रहा हूँ, नॉर्मली क्या होता है ऑडिशन के कॉल आते हैं एक्टर के पास में, पर हम एक्सपोजी रीजन से नहीं जा पाते, कई बार जेंडर रीजन होता है, कई बार कुछ और रीजन होता है, कई सब हो गए, कई बार मनी नहीं किया नहीं गए, ठीक है, तो जो हम गलत करते हैं ना वो ये करते हैं, कास्टिंग एजेंट को बताते ही नहीं है कि यार मैं नहीं आ पा रहा हूँ, ठीक है, तो बताते ही नहीं है नहीं आ पा रहा हूँ, वो मैसेज करते रहते हैं आप आ रहे हो कब तक आ रहे हो कैसे आ रहे हो कैसे नहीं आ रहे हो आप, बिकॉज वेटिंग फॉर यू, उन्होंने आपके लिए टाइम स्लॉट रखा हुआ है, यू आर नॉट गोइंग, और आप अनप्रोफेशनलिज्म करते हो अगर आप नहीं बताते हो, राइट, जस्ट बिकॉज आई डिड द बेसिक कर्टेसी जो कि सबको करनी चाहिए, राइट, एंड दैट इज द रीजन फ्रेंड की ओके ही इज गोइंग प्रोफेशनल तरीके से उसने मुझे इन्फॉर्म किया है, तो आई थिंक इन्फॉर्म मी, ठीक है, दैट इज द रीजन उसने एफर्ट डाल के मेरा पुराना निकाला नहीं, उसको क्या जरूरत थी निकालने की, राइट, इन फैक्ट इट डू इट दैट एंड गॉट द मूवी एंड आई वाज रियली हैप्पी,
उसके बाद वो भी एक साल तक दो चीजें थी। एक तो ये है कि जो मेरा कैरेक्टर था दैट इज एन एनआरआई का, राइट, क्योंकि लंदन बेस्ड, दैट ही हैज सेटल्ड इन टू लंदन, तो अभी उसकी जो है सब कुछ लंदन के अकॉर्डिंग रहेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका बात करने का तरीका, एंड मेन थिंग उसका एक्सेंट, राइट, बिकॉज बॉडी लैंग्वेज यू कैन ब्रिंग दैट, ठीक है, आप ड्रेसिंग से आप वो एनआरआई में आ सकते हो, लुक में आ सकते हो, लेकिन आपका एक्सेंट है दैट कैन गिव इट अवे, राइट, तो हो जाएगा कि नहीं ये तो इंडियन ही बोल रहा है, लंदन का ही बिकॉज अलग एक्सेंट है। तो दो महीने तक डेली थ्रू यूट्यूब, थ्रू अदर पीपल, यू नो, थ्रू फेसबुक, मैं डेली लंदन का जो एक्सेंट था उसकी एक एक दो दो तीन घंटे तक रोज प्रैक्टिस करता था, यू नो हाउ टू स्पीक देयर, बिकॉज दे हैव सर्टेन वे, दे कॉल वाटर यू नो, वेयर आई गोइंग मैन, दैट वे, यू नो, दे हैव सर्टेन एक्सेंट, तो उस पर मैंने काम किया। उससे भी एक चैलेंज मेरे लिए था, वो था कि एक थीम था, राइट, बेयर बॉडी था, कि मैंने बस नीचे टावल है, ऊपर कुछ भी नहीं है, and at that time my physique was, I was, you know, fit, लेकिन physique ऐसी नहीं थी कि कैमरे पे मुझे ये लगे कि वाह यार, ठीक है, I had a word with director कि सर कैसे आप कैसे चाहते हो किस तरीके की, because मेरे पास दो महीने, so I'm prepared for it, I'll give it my best, उन्होंने कहा है बहुत बल्कि नहीं चाहिए जब नौकरी होते हैं, मतलब ठीक है कि तू फिट होना चाहिए लेकिन थोड़ी मसल्स भी दिखनी चाहिए, ठीक है, तो दो महीने तक आई फॉलोड वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, मैंने अपने फूड पे कंट्रोल किया, बहुत ही डेडिकेटली सब कुछ छोड़ के मैंने अपनी हेल्थ पे फोकस किया, अभी तक दो महीने के बाद में कोई होता है ना, जो भी आपकी पहली चीज होती है लाइफ की वो हमेशा बहुत ही यादगार होती है, मुझे था कि मेरा लाइफ का बेयर बॉडी शूट होने वाला है फॉर अ मूवी, तो आई हैड टू गिव इट माय बेस्ट, तो दो महीने तक कंटिन्यूसली आई लेफ्ट शुगर, आई लेफ्ट यू नो ऑल द जंक फूड, आई लेफ्ट ऑल यू नो sugar, milk products and everything, vegan diet followed. दो महीने तक follow करने के बाद I went there, I did the food and I asked him कि सर कैसा था, he said really nice. Because initially जब हम मिले थे तो मैंने पूछा था सर अभी ये body है इसमें अभी अब क्या करेक्शन थी, and बाद में उन्होंने देखा उनका जो मुझे चाहिए था लगभग वैसी बॉडी आ चुकी है दो महीने के अंदर, very nice. वो अलग बात है कि वो सीन बाद में एडिट हो गया आया ही नहीं मूवी में, but it was really nice. So much learning experience, ठीक है, and everything I did as per the director, then I tried to do, तो भी मैंने जैसे मैंने बताया था कि मैंने समझा पढ़ा, उसके बाद मैंने उससे बात की, सर मैं ऐसे सोच रहा हूँ, सर मेरे को what do you think, आपको लगता है मैं जो सोच रहा हूँ सही direction में सोच रहा हूँ, you want कि नहीं मैं कुछ changes करूँ तो किस तरीके के changes करूँ, I do that, so I tried to do it in every possible way कि वो director को लगे कि ठीक है उनके vision के according is going. ओके क्या बात है, और आपने जेन्युइन तरीके से पूरे क्योंकि जो फीडबैक आपने दिया है मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी का उसमें तो लाइन लगा के खड़े रहते हैं, और मैंने जब भी मुकेश छाबड़ा सर को देखा है आजकल भी चार्ट में आते हुए तो वो यही कहते हैं हमेशा कि आप ना प्लीज अपने मन से ना ऑनेस्ट रहो, आप अपने मन से जेन्युइन रहो, और आपने भी अभी यही बात कर दी कि आप नहीं जा सकते थे तो आपने उनको क्लियरली बता दिया कि ये प्रॉब्लम है और मैं ऐसे नहीं आ सकता, क्योंकि कितने एक्टर्स फोन ही नहीं करते, जाते ही नहीं है कि नहीं ये वाले में नहीं जाएंगे, तो यू कभी कभी तो पता ही नहीं होता कि कौन सी फिल्म का कैरेक्टर है, किस चीज का है, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और क्या कुछ करीना कपूर से या फिर स्वरा भास्कर से कुछ ऐसी मुलाकात हुई, कुछ उनसे भी डिस्कस करने का मौका मिला, कुछ उनसे भी या उनकी एक्टिंग से सेट पर कुछ सीखने का मौका मिला सूरज? आई हैड अ शूट विद स्वरा भास्कर, राइट, सो बिफोर दैट मतलब शी इज अ वेरी फाइन एक्टर, राइट, शी इज रियली फाइन एक्टर, और रीजन भी बिहाइंड दैट जो मैंने पर्सनली महसूस किया एंड पर्सनली देखा है, वो बहुत एफर्ट डालती है। मेरा एक सीन था जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, स्वरा का जो सीन था वो पहले शूट हो चुका है, राइट, बस सीन होना था कि बात हो रही है, दूसरे एंड पे स्वरा है,
टाइम पे मैं हूँ और उनका शो हो चुका, उनको आने की जरूरत नहीं थी। शी केम देयर, शी सेड कि नहीं, आई विल बी हियर, राइट, यहाँ से रिएक्शन मैं दूंगी, अपने डायलॉग्स मैं बोलूंगी, जिससे कि ओरिजिनल वो आए। क्या बात है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने बोला कैरेक्टर जैसे नाम से एक्शन आता है वैसे आप रिएक्ट करते हो, शी सेड कि नहीं मैं आपसे बात करूंगी, जिससे कि दोनों की एकदम मैच कर जाए। एंड आफ्टर दैट वी सेट टुगेदर करीब डेढ़ से दो घंटे, शी एक्सप्लेन हर कम्प्लीट जर्नी, राइट, एज अ कैरेक्टर वीरे की मूवी में किया, ठीक है, साक्षी की तरीके की जर्नी रही है, उसने ये किया है, ये किया है, ये किया है, ये किया, शी टोल्ड मी ईच एंड एवरीथिंग, सो दैट बीइंग अ हस्बैंड, राइट, आई कैन अंडरस्टैंड कि मेरी वाइफ की क्या जर्नी रही है, सो दैट आई कैन, जो भी मेरे सीन्स होने वाले हैं उसमें थोड़ी सी और डेप्थ आ जाए। ऑब्वियसली द सेम थिंग, जितना आपको पता होगा कि इंटरलिंक कैरेक्टर है, कौन कहाँ पे है, कितना है, कितना नहीं है, उनके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी उतनी आपकी उतनी पॉइंटनेस आती है जब आप कैरेक्टर को प्ले करते हो। सूरज एक चीज, हाँ प्लीज 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 कंटिन्यू सर। एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट बोली जाती है कि आई नो आपने सोनम कपूर, स्वरा भास्कर, करीना कपूर इन सब के साथ फिल्म में काम किया है, और लेकिन ना लोग कहते हैं, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं जानना चाहता हूँ, एक बार इतने बड़े बैनर की फिल्म करने के बाद लोग कहते हैं कि आप, मतलब मैं किसी काम को छोटा बड़ा नहीं मानता, आई डोंट नो इंडस्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, क्या नॉर्म्स है, लेकिन वो कहते हैं कि फिर आप छोटा काम मत करो। अब छोटा काम मतलब हो सकता है कि आप टीवी पर काम मत करो, छोटा काम हो सकता है कि आप ये डेली सोप में या बहुत सारी चीजें ये सब आप मत करो, तो क्या वाकई में ऐसा एग्जिस्ट करता है? क्योंकि मैंने आपको देखा है वो जितने भी क्राइम वाले जो सीरीज आती है टीवी पर, वो करना मुझे सच में बहुत मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। और क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि हम थिएटर में उन्हीं सब्जेक्ट्स पर काम करते हैं और तब हमारे लिए वो हाईएस्ट प्रायोरिटी हो जाता है, और ये जो क्राइम वाले जो सीरियल्स आते हैं, ये कहीं ना कहीं लोग इनको उतना नहीं देखना चाहते जितना कि इसमें लोगों को अट्रैक्ट करने की पावर होती है। तो क्या इतनी बड़े बिग बैनर की फिल्म करने के बाद क्या इसको क्या छोटा काम माना जाता है जो आपने किया है? किसी ने आपको कभी बोला? राइट, अगर मैं उस कैरेक्टर में फिट बैठ रहा हूँ, उस कैरेक्टर में जा रहा हूँ, राइट, एंड स्टूडिंग फॉर दैट कैरेक्टर, इट डजंट मैटर उससे पहले मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, आई एम अ वेरी वेटरन, क्या किया है, क्या नहीं, इट डजंट मैटर, उसका है कि ओके ही इज डूइंग गुड, स्टूडिंग फॉर आवर कैरेक्टर, दैट्स फाइन। अभी सिर्फ इतनी ये क्वालिफिकेशन चाहिए कि यू कैन एक्ट और नॉट, इफ यू कैन एक्ट, इफ यू आर गोइंग फॉर द कैरेक्टर, आप उस कैरेक्टर में शूट कर रहे हो तो यू आर गुड फॉर इट, अगर उस कैरेक्टर के शूट नहीं कर रहे हो तो आपने आपका बॉडी ऑफ वर्क कितना अच्छा रहा है, आपने क्या मूवीज की है, क्या यू नो वेब सीरीज किया, क्या किया, डजंट मैटर, ओनली थिंग इज इफ यू आर शूटिंग फॉर द कैरेक्टर यू गुड फॉर, यू आर नॉट नेक्स्ट टाइम, बस इतना था। तो वो नोशन पहले होता था, इनिशियली आते हैं तो इनिशियली भी होता है, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे अंदर भी था, इट टुक मी अराउंड यू नो अप्रोक्सीमेटली वन ईयर टू गेट ओवर इट, कि मुझे नहीं यार मुझे टीवी नहीं करना है, मैंने राजना की है, मुझे मूवी इजी करनी है, मूवी इजी करने के लिए आया हूँ, ऐसा नहीं है। एंड क्राइम शो करने के पीछे एक रीजन ये बिकॉज आई लव क्राइम थ्रिलर, घर पे भी लॉकडाउन है तो मैं जब भी टीवी देखता हूँ नेटफ्लिक्स पे मैं क्राइम थ्रिलर ही देखता हूँ, इट गिव्स मी हाई, सो दैट इज द रीजन आई थॉट यू के लेट्स डू इट, यू नो, एंड एज एन एक्टर आप की करते हो, ग्रो ग्रो करते हो, तो मेन थिंग इज वेदर यू आर ग्रोइंग और नॉट, यू नो, डू सम वर्क रादर देन सिटिंग आइडल। Very true, और ये भी कहीं ना कहीं रोज
अपने आप को ग्रो करने के काम में आता ही है। सूरज, कुछ चीज जो आपने देखी होगी, सब सारे एक्टर्स को मालूम है कि ये करना है, बट कभी कभी ये नहीं पता चल जाता कि यार ये कभी भी ना अपनी लाइफ में एज एन एक्टर ये नहीं करना है। कुछ पॉइंट्स अगर आप प्लीज बताना चाहो कि एज एन एक्टर क्या चीजें नहीं करनी है आपको, जो चीजें लोग करने लग जाते हैं जल्दी आने के लिए। देर आर सर्टिन जनरल थिंग्स एंड देर आर सर्टिन पर्सनल थिंग्स। जनरल थिंग्स तो ये है कि यार पॉजिटिव रहो, तो नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना है, ठीक है। दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, ये हम एक्टिंग फील्ड में है या नहीं है तो भी यू नो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए लाइफ में, ठीक है। बिकॉज नेगेटिविटी का कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, एंड एक्टिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग समथिंग। एक पेपर के ऊपर कुछ कैरेक्टर, कुछ लाइनें लिखी होती है, उस लाइनों को आप जीवित कर देते हो, मेक देम अलाइव, यू आर क्रिएटिंग थिंग्स। सो फॉर क्रिएटिंग थिंग्स यू हैव टू बी पॉजिटिव। उसके लिए नेगेटिव लोगों की यू नो कंपनी या नेगेटिव चीजें वो नहीं करनी है। सेकंड थिंग, ऑब्वियसली आई पर्सनली बिलीव कि यू शुड नॉट यू नो डू ऑल दोज थिंग्स, बिकॉज नॉर्मली मैंने मुंबई आने के बाद देखा है बहुत सारे मेरे नोन फ्रेंड्स भी दे एंटर इनटू फन के नाम पे या हाई के नाम पे, यू नो ऑल दोस नशे एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सच अ वाइब्रेंट सिटी, यहाँ पे आपको हर चीज मिल जाएगी, आपको चूज करना है मुझे क्या रखना है और किस चीज से मुझे दूर रहना है। वाइब्रेंसी में, चकाचौंध में ये भी ध्यान रखना है कि खुद को नहीं खोना है, आपकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो नहीं खोनी चाहिए, बिकॉज एंड ऑफ द डे आपकी पर्सनल आइडेंटिटी ही आपको आगे बढ़ाएगी। यू आर वन इन अ मिलियन, तो वो चीज रहनी चाहिए, उस चक्कर में नहीं पड़ना है। थर्ड थिंग, माय पर्सनल बिलीव कि यार रादर देन सिटिंग आइडल एट होम, इफ यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क देन वर्क, व्हेदर इट इज डबिंग, आई हैव डन डबिंग आल्सो, क्योंकि जो करोगे तो आप सीखोगे कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं आप सीखते ही रहोगे, ठीक है। सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो, लेकिन अपने फोकस जो आपका मेन डेस्टिनेशन है कि ठीक है मुझे वहां पहुंचना है या मुझे वो काम करना है, ठीक है, उससे फोकस नहीं हटना चाहिए। मीनवाइल आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है काम करने की, सीखने की, तो करो। नोशन में नहीं पड़ना है कि ठीक है यार ये काम मुझे नहीं करना है या इसके साथ काम नहीं करना है, उसके साथ काम नहीं करना है, अभी तो मेन चीज है काम करना है। वंस यू आर यू नो सच अ बेटर एक्टर इनफ कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, टाइम कम है, देन यू कैन पिक एंड चूज। Initially, when you have enough time and options are limited, then I don't believe you should begin to, you should simply do it. Because at the time, you know, if you are TV, because you can't do movies, if you are doing movies, you shouldn't do TV and all those things. Okay? And personal thing, यहाँ पे ना बहुत ही how to say it, वो पहले हम बात कर चुके हैं कि बहुत ही हर तरीके का माहौल है, पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी है, नेगेटिविटी भी है, हर तरीके के लोग हैं जो आपको पुश भी करेंगे आप ठीक है आगे की तरफ, ठीक है कर कर कर, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। ऐसे भी लोग हैं जो आपको कहीं ना कहीं डाउन भी करेंगे अपनी बातों से, अपनी कंपनी से। तो सबके बीच में आपको अपनी आइडेंटिटी, अपनी सेल्फनेस पे बहुत ही ध्यान देना है। तो उसके लिए मेरा जो पर्सनली हेल्पफुल रही वो रही प्रेयर। सुबह हम बैठ के भगवान के चरणों में, ठीक है, उनको याद करना, उनको समर्पित करना, उनकी चीजों को रखना, ठीक है मेरा ये दिन है प्रभु आप देखो आप संभालो, और उसके बाद आपका जो बिट है जितनी आप मेहनत कर सकते हो अपनी कैपेसिटी अपनी अंडरस्टैंडिंग से उतना आप कीजिए, ठीक है। दैट इज द ओनली थिंग विच वी कैन डू, ठीक है। फोर्थ थिंग एज एन एक्टर, ऑडिशन में क्या होता है, हम लोग जाते हैं ऑडिशन देते हैं, एंड इन ऑडिशन के बाद हमें लगता है यार पता नहीं कैसा गया कैसा नहीं गया, तो हम कास्टिंग डायरेक्टर को मैसेज करते रहते हैं कि यार आई डोंट थिंक, एंड किसी कास्टिंग डायरेक्टर से भी अगर आपको बात करने का मौका मिलेगा, गौरव से बात की होगी तो वो भी बता रहा होगा, दिस शुड नॉट बी डन, बिकॉज अगर आप लॉक हो जाओगे तो आप पाताल में भी चले जाओगे ना, तो कास्टिंग डायरेक्टर आपको ढूंढ के ले आएगा, आपको कॉन्टेक्ट करके बता देगा आप सेलेक्ट हो गए, तो वो सही ट्रू है। एंड नेक्स्ट थिंग, जब भी ऑडिशन पे जाओ तो स्क्रिप्ट को 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए नो इश्यूज, टेक 2-3 और एक्स्ट्रा हो जाए नो प्रॉब्लम, उसमें मत पढ़ना कि यार टेक मेरे ज्यादा हो रहे हैं सही नहीं आ रहा है, कास्टिंग डायरेक्टर को क्या लग रहा होगा, या फिर स्क्रिप्ट जितने देर से मैं लेके बैठा हूँ उसको क्या लग रहा होगा, इट डजंट मैटर। जितना टाइम आपको लेना है लीजिए, कास्टिंग डायरेक्टर से पूछ के ऑब्वियसली, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो भी वेट कर रहा है आपका, आपके
पहले में अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आस्क हिम, आस्क हिम ट्वाइस, आस्क हिम ट्वाइस कि मेरे को ये कंफ्यूजन लग रही है, ऐसा है वैसा है ऐसा है वैसा है, बिकॉज उसका भी मेन मोटिव यही है कि उसको भी एक अच्छा एक्टर चाहिए। आप एफर्ट डालोगे तो आई एम श्योर वो भी एफर्ट डालेगा। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आस्क हिम अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड उसके बाद भूल जाइए। अगर यू विल गेट सेलेक्टेड दे विल कॉल यू, अगर नहीं होता है तो गो फॉर द नेक्स्ट थिंग, ऑडिशन दीजिए उसके बाद भूल जाइए, होगा तो अपने आप कॉल आ ही जाएगा, गो फॉर द नेक्स्ट थिंग। अच्छा टारगेट होना चाहिए कि यार I should be a better person and a better actor than yesterday. हर दिन मुझे ग्रोथ करनी है, अपने फिजिक पे काम करनी है, अपने दिमाग पे काम करनी है। दिमाग पे काम करने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, करंट अफेयर्स पता होनी चाहिए, देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। फिर उसमें आप जितना इनडेप्थ इन्फॉर्मेशन ले सकते हो इट्स गुड फॉर यू। ओपिनियन होना चाहिए, शेयर करो ना करो इट्स अप टू यू। Those are the basic thing, but मेरे लिए जो सबसे प्राइमरी है वो है कि पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना, वेरी ट्रू। आपको नेगेटिव थॉट और जो रियलिटी एक मोमेंट के लिए लगती है उनके नीचे नहीं दबने देना है, बिकॉज ट्रस्ट मी यहाँ पे ना आई बिलीव दैट एंड आई हैव सीन दैट, यहाँ पे ऐसे चुटकियों में जिंदगियां बदलती है। बस अंतर इतना है कि वो चुटकी हो सकता है एक महीने में बच जाए या हो सकता है पांच साल में बजे, लेकिन मैं तो तभी क्रिकेट अच्छा खेलूंगा जब मैं स्टेडियम में पहुंच जाऊंगा, गली करते रहना है तभी आप वहां पे परफॉर्म कर जाओगे। बिल्कुल भगवान नहीं वो बिल्कुल है, मैं आपको प्रेयर करते हुए हमेशा देखा है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह गए आप कास्टिंग डायरेक्टर से, यही रिलेशनशिप वाली बात मैं कुछ देर पहले कर रहा था। एक चीज जो अभी भी बहुत सारे एक्टर्स सोचते ही हैं सूरज, वो ये है कि जैसे FTII है और एक ही रेप्यूटेड स्कूल है जो आपको कैमरा की एक्टिंग सिखाता है। मैं जानता हूँ थिएटर में आप बहुत सारे प्लेस करते हो, जिंदगी सीखते हो, नुक्कड़ नाटक करते हो, अपने डायरेक्टर से 24 घंटे कनेक्ट रहते हो, बहुत कुछ सीखते हो, 10-12 साल भी थिएटर करते हो। लेकिन हर एक एक्टर को ये जरूर बोला जाता है कभी ना कभी जब वो पहली बार कैमरा फेस करता है, यार थोड़ा कैमरा तो सीख कर आ जा पहले। तो क्या, और क्योंकि इतने सारी जगह नहीं है कैमरा सीखने के लिए जो रेप्यूटेड है, गवर्नमेंट से सिर्फ हमारे पास FTII है। ओके, सो क्या कैमरा और स्टेज का जो एक्टिंग का जो दरिया है, क्या इसमें कोई फर्क था जो आपको लगा आपने भी उस पर काम किया हो? ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। देखो फर्क तो होता है, ऐसा नहीं होता, बिकॉज दोनों मीडियम अलग है, राइट। थिएटर में आप एक लाइव ऑडियंस को एड्रेस कर रहे होते हो, राइट, जो कि लाइव ऑडियंस आपसे 1 मीटर से लेके 25, 30, 50 मीटर इतनी डिस्टेंस तक बैठे होते हैं, अलग अलग ड्यूरेशन में दोनों तरफ या हो सकता है चारों तरफ बैठे हो, तो आपको उन सबको एड्रेस करना होता है। तो आपकी पिच अलग होती है, राइट, आपका जो वॉइस लेवल है वो अलग होता है, आपको उसके साथ बॉडी को भी इन्वॉल्व करना होता है, बिकॉज पीछे वाले अगर सुन भी ना पाए तो एटलीस्ट विजुअली वो देख पाए, समझ पाए, कनेक्ट कर पाए, राइट। थिएटर में वो मीडियम है, यहाँ पे वो मीडियम नहीं है, यहाँ पे आप बहुत ही विस्पर भी करोगे तो भी पहुंच जाएगी ऑडियंस, बिकॉज यू नो माइक लगे हुए हैं, बूम माइक लगा हुआ है, कैमरा एकदम आपके पास है, उसमें कुछ गलत नहीं है। और कोई अगर बोलता भी है कैमरा तो सीख के आ जा तो ठीक है, सही बोल रहा है, बिकॉज हम एक अलग मीडियम से आए हैं, राइट, अलग मीडियम से, दिस इज अ न्यू मीडियम फॉर एक्टिंग, इज द सेम एक्टिंग का प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन उसको किस तरीके से कन्वे करना है या वो किस तरीके से कैप्चर हो रही है वो दोनों मीडियम चेंज हो जाते हैं। वहाँ पे लाइव आईज के थ्रू हो रही है थिएटर में, यहाँ पे कैमरे के थ्रू हो रही है। यहाँ पे आपको एक सर्टेन पोर्शन, यू नो हाफ शॉट है तो आप उसे कितना पोर्शन लेंगे, टाइट है तो उतना लेंगे, पूरा है तो पूरे रूप का लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें चेंज करनी होती है। इट टेक्स सम टाइम, करते करते हो जाता है, तो वो वैसे ही है जैसे हम थिएटर में करते हैं, तो धीरे 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 सीखते सीखते हो जाता है, तो ऐसे इसमें भी हो जाता है। इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं,
पहले फोन वगैरह नहीं होते थे, तो सब फोन में मोबाइल है, आप घर पे ही प्रैक्टिस कर सकते हो, यू नो फोन के आगे कोई भी स्क्रिप्ट भी उस तरीके से। उसके बाद देखिए, देखने के बाद खुद ही आइडिया आ जाता है कि हाँ यार मैं थोड़ा सा ना बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल लाउड हो रहा हूँ, या ज्यादा मैं अपने आप को वो कर रहा हूँ, या मैं ट्रेन से बाहर जा रहा हूँ, वेरी ट्रू, अगर मैं ऐसे करूंगा तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल लगेगा, बिकॉज यार देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच कम्स विद द एक्सपीरियंस, तो करते 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 ऑटोमेटिकली आती चली जाती है। तो मीडियम फर्क है, तो डेफिनेटली देयर विल बी सम चैलेंजेस, लेकिन वो चैलेंजेस ऐसी हैं विद द टाइम एंड विद द प्रोसेस वो ऑटोमेटिकली ओवरकम हो जाती है, उस पर कोई दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, वेरी ऑर्गेनिक होगा ही होगा, बाउंड टू हैपन। बिल्कुल ओके ये बहुत ही एक पूरी की पूरी जर्नी वाली बात। बेस्ट वेब सीरीज जो वो चाहता है कि लोग देखें? सीक्रेट सिटी, आई हैव सीन इट वेरी रिसेंटली, आई एंजॉयड इट, ठीक है, एंड ग्रैंड होटल इज अ स्पेनिश सीरीज, एंड एंड शी इज अ हिंदी। ओके ओके कोई ऐसी दो बुक कोई भी हो सकती है जो सूरज चाहता है कि एक्टर्स और बाकी ऑडियंस को भी ये दो बुक तो पढ़नी ही चाहिए? ओके गुड, एक तो ये है यथार्थ गीता, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर, एंड सेकंड थिंग आई थिंक बायोग्राफी ऑफ एनी पर्सन, जो भी आपको लगे ना कि यार ठीक है पर्सन से एक्टर से, वो पर्सन किसी भी फील्ड से हो सकता है, उनकी एक बार बायोग्राफी पढ़ना, बिकॉज किसी की भी आप बायोग्राफी पढ़ते हो तो कॉमन चीज ये होती है दे ऑल स्ट्रगल समवेयर इन द लाइन, और वो स्ट्रगल खुद से ही होता है, बाहर किसी से नहीं होता है, आपका स्ट्रगल एक्टिंग लाइन में भी खुद से ही होता है, रीड द बायोग्राफी, यू कनेक्टेड, यू विल फाइंड इट बेटर। ये जो यथार्थ गीता है इसके बारे में थोड़ा सा अगर तू प्लीज बता सकता है? मैं रीसेंट इवेंट से कनेक्ट करता हूँ, अभी जैसे हुआ इंडस्ट्री में वी लॉस्ट इरफान, राइट, इरफान सर को लॉस किया है, इसके बाद ऋषि कपूर सर को लॉस किया है, ठीक है, और बहुत सारे लोग हमने अपनी पर्सनल फैमिली में या फिर रिलेशन में बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि अचानक से एक मोमेंट आता है, दे आर नो मोर, राइट, और हम और उस मोमेंट पे हमें एकदम धक्का लगता है, उस मोमेंट पे हमें लगने लगता है यार लाइफ क्या है यार, कल तक वो साथ थे, आज अचानक से नहीं है, यू नो इरफान लॉस्ट, एवरीबॉडी वाज फीलिंग द सेम, रिसेंटली इसकी मैं एग्जांपल, बाकी सबकी फैमिली में कहीं ना कहीं सबने लॉसेस देखे होते हैं, जिंदगी इतनी अनसर्टेन होती है कि पता नहीं होता, आज प्लान कर रहे हैं हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे ऐसे करेंगे ये अचीव करेंगे ऐसे करेंगे, सडनली एक मोमेंट आता है कि पर्सन इज नो मोर, राइट, सो व्हाट आई फील एंड मैंने पर्सनली जो महसूस किया है जो पाया भी है कि इतनी अनसर्टेनिटी के बीच में हम जब से हम पैदा होते हैं तब से जब हम लास्ट ब्रेथ इंसान लेता है उसके बीच में जर्नी इन्हीं चीजों में निकल जाती है, पढ़ाई, फैमिली, रिलेशंस, यू नो कुछ ना कुछ जॉब, बिजनेस, करियर, प्रोफेशन, कुछ ना कुछ एक्स वाई जेड चीजें, मतलब इन्हीं चीजों में हम अटके 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 एक मोमेंट आता चली जाती है, तो जिंदगी का रियल मोमेंट, रियल मीन क्या है, मतलब क्या है, उसका पर्पज क्या है, यू नो क्योंकि आज आज से 100 साल पहले, आज से 1000 साल पहले, आज से यू नो 1 लाख 10 लाख जब से ह्यूमैनिटी रही है तब से लेके आज तक लोग यही करते आए, पैदा हुए पूरी जिंदगी एक्स वाई जेड चीजों में खटने में, यू नो खाना पीना, जिंदगी, रोजी रोटी की चिंता, सपने, यू नो जुनून, ये सब चीजें करने में निकल जाती है, मोमेंट आता है निकल जाता है, लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ क्या है वो नहीं पता होता है। उसके अलावा लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जहाँ पे लगता है यार हम तो सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, क्या है, भगवान है कि नहीं है, अगर है तो उनको कैसे पूजा जाए, क्योंकि बचपन से लेके बड़े होने तक नॉर्मली सब अपने अपने तरीके से भगवान को, गॉड को, अल्लाह को अपने अपने तरीके से पूछते रहते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे लास्ट तक पता ही नहीं होता है कि एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, कैसे पाया जाए, क्या नहीं पाया जाए। तो लाइफ के जितने भी सवाल है ना कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, उद्देश्य क्या है जिंदगी का, जिंदगी मिली क्यों है, ठीक है, इतनी प्रॉब्लम जिंदगी में आती है वो क्यों आती है, मतलब मेरी जिंदगी की प्रॉब्लम अलग है, राहुल की जिंदगी की प्रॉब्लम अलग है, सबकी अपनी प्रॉब्लम है, कोई बहुत ही किसी की प्रॉब्लम यही है कि यार दो वक्त की रोटी मिल जाए, किसी की प्रॉब्लम ये है कि मेरा बहुत आलीशान घर हो जाए, किसी को ये है कि मेरा 2 हेलीकॉप्टर है एक और आ जाए, किसी का है कि मेरे पास प्राइवेट प्लेन है और कुछ हो जाए, राइट, सब अपने अपने, लेकिन परेशान सब हैं, सेटिस्फेक्शन कहाँ है जिंदगी में, उन सबके आंसर मुझे यथार्थ गीता में मिले, श्रीमद भगवद गीता का ही एक टीका है इसमें मुझे मिले हैं, सीरियसली पर्सनली ऑन अ डेस्क ऑफ माई हार्ट में सबको रिकमेंड करूंगा, रीड इट,
YouTube पे अवेलेबल है, यथार्थ गीता आप टाइप करेंगे आपको मिल जाएगी। वीडियो है, आप आराम से बैठ के देख सकते हैं, 18 के 18 अध्याय हैं, ठीक है। ये बुक है, ऐप भी है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यथार्थ गीता की साइट पे जाके आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर पे आ जाएगी। इफ यू नीड इट यू कैन डीएम मी, यू नो डायरेक्ट मैसेज फेसबुक पे इस पे कर सकते हैं, आई विल मेक इट अरेंज। इसे 3 से 4 बार पढ़ लेंगे, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, तो ईच एंड एवरी आंसर लाइफ का जो है ना, जैसा भी जाएगा। ओके, बेस्ट बेस्ट नाटक सूरज का आज तक का जिसमें उसने परफॉर्म किया, मुश्किल क्वेश्चन है। एक नहीं, एक सबसे ज्यादा मजे मुझे ओटीएस में आते थे, ऑपरेशन 3 स्टार, बिकॉज़ जबरदार मुझे बड़ा मजा आता है। यू नो राहुल, मैं, हिमांशु मको, शिव, गौरव, हम सब लोग करते थे मिलके, बहुत मजा आता था। लेकिन एक प्ले जो एक ही बार मैंने किया था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, एक ही बार किया था जिसमें वो बनता है रास्ते, अरे मैं तो वो बनता है ना, थोड़ा सा बेबी टाइप ही होता है। अच्छा, ओ ये आदमी चूहे, ये आदमी, ये चूहे, ये आदमी चूहे, क्या हमने वो कैरेक्टर था, बिकॉज़ वो मैंने बहुत दिल से प्रिपेयर किया था, उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला, आई मूव्ड ऑन, मुंबई शिफ्ट हो गया था उसके बाद में। कमाल नाटक है, कमाल नाटक, आज तक वो याद रहता है। बाकी ओजीएस इज ऑल टाइम फेवरेट। ओके, बेस्ट एक्टर फीमेल बॉलीवुड में या हॉलीवुड में भी, कोई भी। दीपिका, दीपिका। ओके, बेस्ट एक्टर मेल, इरफान, इरफान खान साहब, टोटली इरफान खान साहब। ओके, एक ऐसी फिल्म जो सूरज को लगता है कि यार अगर ये इसका दोबारा रीमेक बने तो मैं इसको करने में मुझे बहुत मजा आएगा और मैं बड़ी मेहनत से करूंगा। थ्री इडियट्स। ओके, और कौन से कैरेक्टर उसमें? आमिर खान। क्या बात है, ओके डन। ओके सूरज, ये सारी की सारी चीजें, दिस वाज फैंटास्टिक, और मैं, मुझे बार बार वो आईटीओ याद आ जाता है, मुझे बार बार वो करोल बाग से निकलते हुए वो एक रेस्टोरेंट होता था, वहां की रोटी दाल मखनी और चाप याद आ जाती है, या फिर कमला नगर की मुझे लस्सी याद आ जाती है, वो बाइक पे राइड याद आ जाती है, बुराड़ी पे कमला नगर पे छोड़ के आगे वाली राइड याद आ जाती है, या फिर कभी जबरदस्ती बहाना बना के बोल देना कि प्लीज बुराड़ी से थोड़ा अशोक विहार मोड़ लेना, वहां छोड़ देना, वहां से फिर अपने घर चले जाना, या मनोज यादव को घर छोड़ते छोड़ते वहां से जाना, तो वो बहुत बड़ी जर्नी रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज, और बस जाते जाते अपनी ऑडियंस को, ये लॉकडाउन है, आप अपने सारे फैंस को, ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हो? फर्स्ट थिंग, इट्स अ रियली बिग क्राइसिस, ठीक है, और ये किसी सोसाइटी, यू नो कंट्री में नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइसिस है, तो सीरियसली हम लोग इसे सीरियसली लें, गवर्नमेंट की जो भी फॉलोइंग है, जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करें, राइट, अपने घर में रहें, सेफ रहें, अपनी फैमिली को सेफ रहें, बिकॉज एक इंसान भी अगर अफेक्टेड होता है तो वो सिर्फ अकेला अफेक्टेड नहीं होता है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग अफेक्टेड होते हैं, बिकॉज इट्स अ चेन, राइट, सो इट्स रियली नेसेसरी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करें, सेफ रहें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, लॉकडाउन की वजह से फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है, बिकॉज लाइफ इतनी ज्यादा भाग दौड़ भरी हो चुकी है, बड़े टाउन में तो और भी ज्यादा है, मुंबई दिल्ली में तो और भी ज्यादा है, इवन छोटे टाउन में भी, वहाँ पे हमें अपने साथ बैठ के अपने से बात करने का ही मौका नहीं मिलता है, सो दिस लॉकडाउन हैज गिवन दैट अपॉर्चुनिटी कि आप चाह के भी कहीं नहीं जा सकते हो, उनकी बातें सुनो, उनको समझो, अपने से बड़ों के एक्सपीरियंस को सुनो, अगर आपकी फैमिली में दादी दादा, यू नो बुजुर्ग हैं या मॉम डैड हैं, उनकी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, उनके ही बहुत सारे किस्से होंगे, आप उनको सुनो, बिकॉज उनको भी अच्छा लगेगा कि वो शेयर कर पा रहे हैं, बिकॉज कुछ उन्होंने शेयर किए होंगे, कुछ होता है आप कोप करते हो, बार बार बोलते हो तो ही वो शेयर करते हैं, क्योंकि उनको भी अच्छा लगेगा कि यार हमारे बच्चे, हमारे अपने, हमारे इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं हमारी लाइफ में, वो बोलते नहीं पेरेंट्स, लेकिन उनकी इच्छा तो होती है कि बच्चे भी उतना अटेंशन दें, ठीक है। सेकंड थिंग, एज एन एक्टर या एज एन ह्यूमन भी आप उनके किस्सों से, उनके एक्सपीरियंस से ग्रो करोगे, बहुत सारी चीजें पता लगेंगी, समझ आएंगी, यू नो
बड़े बुजुर्ग जब भी कुछ बोलते हैं तो वो ऐसे ही नहीं बोलते हैं, कहीं की पढ़ी हुई बातें नहीं बोलते, वो एक जी हुई जिंदगी से निकला हुआ अनुभव बोलते हैं, वो अनुभव बहुत कम. स्पेंड टाइम विद देम, लिसन टू देम, फोन टीवी ठीक है एक लिमिट तक ठीक है, लेकिन उसके बाद उनको टाइम दो, सुनो, समझो, उनको महसूस कराओ कि आप कितने प्यारे हो, कितने अच्छे हो, हमारे अपने हो, ठीक है. एंड जस्ट फॉलो द गाइडलाइंस, स्टे सेफ, एंड दोनों टाइम भगवान का भजन करो, एंड ये हाथ गीता पढ़ो. चलो, क्या बात है सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, क्योंकि मैंने कहा था बिल्कुल कि बिना सूरज के मेरा ये बातों बातों में कब तक होता है, कितना होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बिना तेरे वो पूरा होगा नहीं, कि कुछ एक्टर हमेशा दिल के पास रहते हैं. एंड मुझे बहुत खुशी होती है जो भी फिल्म, छोटा सा क्राइम वाला एपिसोड या न्यूज चैनल वाला एपिसोड जो भी आता है, मैं सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं सब में एक मास्टर क्लास होता ही है. शुक्रिया सूरज बातचीत करने के लिए, और जल्दी मिलते हैं बॉम्बे में. राहुल, थैंक यू सो मच, एंड इट्स अ रियली ग्रेट इनिशिएटिव जो तुमने लिया है, अलग अलग फील्ड से लोगों से बात करके उनके एक्सपीरियंस लोगों तक पहुंचवाना. इट्स अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस, यू नो, इट्स अ वेरी यूनिक इनिशिएटिव लोगों तक पहुंच पाना, बात कर पाना, एंड इतने टाइम के बाद से बात हुई, तो आई एम फीलिंग सो गुड, एंड प्लीज पे माय रिगार्ड्स टू सर एज वेल. नहीं नहीं बिल्कुल, और सूरज मैंने तुझसे बहुत सीखा है, मैं उन्हीं लोगों से बात कर पा रहा हूँ जिनसे मैंने बहुत सीखा है लाइफ में, उनको ये ग्रैटिट्यूड देने का मौका है. आप जहां पर भी हो, जैसे भी हो, आपकी और आपकी फैमिली हमेशा ठीक से रहे और बहुत सारा काम करो. थैंक यू, सी यू सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया. प्लेजर प्लेजर.